हाय आकांक्षा, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स वंस अगेन. आपका स्वागत. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर. और बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आप बिग बॉस में जा रही हैं. याद है लास्ट टाइम आई आस्क्ड क्वेश्चन टू यू? यस यस, मुझे याद है. एंड हाउ मेनी टाइम्स आप लोगों ने मुझे बोला और बहुत सपोर्ट किया. एंड इस बार यस, साल की शुरुआत मैंने धमाके से की है इस चैलेंजर के रूप में. तो यस, हियर आई एम. कुछ होने वाला है एज अ चैलेंजर? किसी पर्टिकुलर को चैलेंज करना है या फिर क्या कुछ है अभी गेम प्लान्स? पर्टिक्युलर नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ा और ना हम इस उससे गए थे कि किसी को छोड़ेंगे. एंड बहुत ही विलेन भी दिख रहे हैं. मेरे प्रोमोस के बाद भी मेरे काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि इनह्यूमन होना पड़ेगा, ये वो. आकांक्षा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे फेवरेट्स हैं. तो ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि उन्हें जगाने की जरूरत थी थोड़ी सी जो हमने की. एंड सही टाइम पे गए हम लोग एज चैलेंजर्स. एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी ये चैलेंजर्स की. मेरे साथ सुरभि, मुनमुन, विशाल थे. एंड हम लोग सारे ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं. सब लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं सबके. हम लोगों ने एज अ टीम बहुत अच्छा खेला आई थिंक. एंड बहुत अच्छा चैलेंजेस दिए. एंड हैट्स ऑफ की कंटेस्टेंट्स ने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, 100% दिया अपना, मोर देन 100%. बहुत इम्प्रेस थे हम लोग उनके टास्क से. तो आप किससे इम्प्रेस हैं अंदर? कौन ज्यादा अच्छा खेल रहा है अभी? ये एक्चुअली मैं इनफैक्ट जब सारे नहीं जीते, मुझे लगा कि यार ये टास्क था जो कि सच में बहुत डिफिकल्ट था. शायद हमारे लिए भी करना बहुत डिफिकल्ट होता. हम तो सिर्फ परफॉर्म पूरा नहीं कर रहे थे उस चीज को जो उन लोगों ने किया. और किसी चीज हमें लगा अब मना करेंगे, बट किसी भी चीज के लिए उन्होंने मना नहीं किया, हर चीज करी. तो मैं किसी एक का नाम ले ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज सबने इतना अच्छा, मैंने थ्रू आउट द सीजन मैंने फॉलो किया है. बट आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क था, मेंटली और फिजिकली दोनों. एंड उन लोगों ने मना नहीं किया. आई थिंक उन्हें भी समझ में आ गया है कि ये गेम के इस पड़ाव पे अब सीरियस होना जरूरी है और अब करना पड़ेगा. तो जान लगा दी सबने अपनी. एंड हैट्स ऑफ यार, वाज सो इंप्रेस्ड लुकिंग एट इट. आपने बोला आप डे वन से देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं, तो कौन आपको बहुत लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल और अपना रियल सेल्फ शो कर रहा है अंदर? आई थिंक मैंने काफी खुल के शमिता का सपोर्ट किया है बाहर भी. और मुझे लगता है इसीलिए, क्योंकि सही और गलत की बात नहीं है यहाँ पे. मुझे वो बहुत रियल लगती हैं. और मुझे लगता है कि वो जो है वो है. हम अपना रियल दिखाती है सबके सामने. कितने ही लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं बोला, बट फिर भी वो चेंज नहीं हुई. एंड आई थिंक वही बात मुझे उनकी बेस्ट लगती है. एंड दैट्स व्हाई शी इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. अगर आप शमिता की बात करी तो उनको कई लोगों ने समझाया कि वो बहुत इमोशनल हो जाती है जब रिश्तों की बात करें. तो विशाल को लेके, जैसा कि आप सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज थी और बाहर आके विशाल ने काफी कुछ कहा है उनको लेके, क्या बोलना चाहेंगे आकांक्षा? जी, आई थिंक यही एक पर्सनालिटी होता है. अगर आप इमोशनल है तो आप है, यू कांट रियली हेल्प इट. बिकॉज यही एक आप इमोशन भी आपका एक साइड है, एक एंगर भी. जैसे मेरा भी, मुझे काफी लोग बोल रहे हैं आप बहुत टफ दिख रही है प्रोमो में, आप विलन लग रहे हो, आप कैप्टन लग रहे हो. बट ठीक है, वो भी मेरा एक साइड है, इमोशन भी मेरा साइड है. एंड ये शो रियलिटी का शो है. आप अपने इमोशंस छिपा नहीं पाएंगे. थोड़ी मुझे ये कुछ टाइम में ही समझ में आ गया अंदर कि हम फेक हो ही नहीं सकते. आप थोड़े टाइम के लिए हो पाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे. बिकॉज कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे कि शायद माइक है, शायद कैमरा है, जो हम लोग कुछ घंटों में ही भूल गए. तो आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है. तो अगर वो इमोशन है तो वो है. आई थिंक वो उनकी इंडिविजुअलिटी है, वो उनकी पर्सनैलिटी है. तेज रन जो है उनको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? तेजस्वी और करण को कितना रियल मानती है कि एक दूसरे के साथ, वो क्या एक्चुअली में रियल है यहाँ पर? यार मुझे तो बहुत रियल लगा उनका प्यार. एंड मैं काफी करीब से देख के आई उनको. एंड काफी मेरे भी कुछ ओपिनियंस थे उनको लेके, बट जब मैंने उन्हें करीब से देखा, मुझे लगा कि वाओ, इतने प्यारे लग रहे हैं. पहली बात तो वो साथ में बहुत ही गुड लुकिंग कपल लग रहे हैं. एंड आई होप इनकी जोड़ी बाहर आके भी बरकरार है. मुझे लगता था गेम को लेके शायद रिश्ते में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं उस चक्कर में. एंड तेजा के लिए स्पेशली मुझे ऐसा लगता था. बट इस बार जब मैं गई एज अ चैलेंजर, जब मैंने उन्हें टास्क परफॉर्म करते हुए देखा, तो मेरा ये चीज, ये डाउट भी क्लियर हो गया कि वो अपना 100% दे रहे थे. करण भी, तेजा भी, एंड सब इंडिविजुअली ये टास्क खेल रहे थे. एंड हमने काफी सारे टास्क दिए थे, ये एक टास्क नहीं था. एंड सबने अपना 100% दिया सभी टास्क में. एंड खुल के खेला. So, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनको देखना साथ में. एक नई जोड़ी भी नजर आ रही है, देवोलिना और प्रीतिक की, क्या बोलना चाहेंगी? अरे अरे प्लीज, मुझे नहीं नजर आती, मैं देखना भी नहीं चाहती ऐसी जोड़ी. मुझे नहीं समझ में आता उनका गेम स्पेशली. मतलब अभिजीत दादा का तो मुझे नहीं समझ में आता. देवोलिना मुझे पता नहीं, इस बार थोड़ी सी वो फाइटर कॉम ज्यादा लग रही है. मुझे लगता है लड़ने के लिए हमेशा उतारू रहती है, या मुझे वो लड़ते हुए दिखती है या ज्यादा रोते हुए दिखती है.
तो मुझे उनका गेम फ्रैंकली कुछ समझ नहीं आता और बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता एज अ ऑडियंस। और उमरेश को लेके क्या बोलेंगी उमर और रश्मि की जोड़ी? सी उमर और रश्मि मुझे नहीं पता कि ये जोड़ी है नहीं है, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा है अभी तक हमने इसका, बट मैं जानती हूँ पर्सनली भी थोड़ा थोड़ा इन दोनों को, एंड मुझे लगता है कि अगर ये लोग साथ में होंगे तो बहुत अच्छा कपल होगा, बिकॉज दोनों ही बहुत 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 ही अच्छे हैं एज अ पर्सन, एंड मुझे तो देख के उन्हें बहुत मजा आ रहा था। लेट्स सी बाहर आके क्या होता है। तो आकांक्षा एक या दो दिन के लिए हमें एक्चुअली में मजा नहीं आने वाला है, हम चाहते हैं आप हम आपको पूरा 105 दिन बिग बॉस में देखें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही जल्द मिलेगा, अभी तक बस कहीं ना कहीं बिग बॉस और मेरे टाइमिंग नहीं मैच हो पाते, उनके और मेरे टाइमिंग का पता नहीं क्या क्या है प्रॉब्लम, बट इस बार टाइमिंग क्योंकि थोड़े देर का था इसलिए मैच हो गया, एंड मैं इनफैक्ट इस बार करीब से देखने के बाद मुझे भी लगता है कि यार ये एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए, एंड जरूर आप मुझे देखेंगे, एंड इस बार ट्रेलर देख लीजिए, पूरी मूवी मैं बाद में दिखा दूंगी आराम से। टॉप 3 में किसको आकांक्षा जी? टॉप 3 को लेके, थर्ड को लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, स्पेशली इस बार जब अंदर गई तो और कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सभी इतना अमेजिंग बहुत अच्छा खेल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि तेजा, करण, निशांत, प्रतीक कौन हो सकते हैं ऊपर, मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली शमिता मुझे मेरी फेवरेट है, मैं उन्हें सबसे ऊपर देखती हूँ, एंड मुझे उमर का गेम बहुत पसंद है। बाकी काफी लोग हैं जो आगे बार, और आई थिंक काफी वीक्स बचे हैं, मुझे लगता है हमें क्लियरली अपने टॉप 3 दिख जाएंगे कमिंग वीक, बट डेफिनेटली आई होप कि शमिता ये शो जीते, वन ऑफ माय फेवरेट्स। क्या बात है, इस बार हमने राखी के पति को फाइनली देख लिया, रितेश को अंदर, और फाइनली फाइनली बहुत कुछ बातें भी हो रही हैं अंदर बाहर सब तरफ। आप क्या बोलना चाहेंगे, आप राखी से मिलके आए हैं अभी तो क्या कुछ जी? मैं पता नहीं, अभी पर्सनली तो हमारी ज्यादा कोई इंट्रैक्शन हो नहीं पाया, ना हमें करने दिया, मैंने भी बहुत कोशिश की कि यार हम कुछ बाहर के मैसेजेस दे दे, कुछ करे, एक बार तो कोई हमें मिलवा दे। काफी उम्र के काफी फैंस ने मुझे मैसेजेस भेजे थे उनके बर्थडे विशेस के, इसके उसके काफी चीजें, बट हमें हमने इंट्रैक्शन नहीं किया उन कंटेस्टेंट से, तो हमारी बात नहीं हो पाई, बट पता नहीं फाइनली राखी के पति हमने देख लिया, वही एक बहुत बड़ी बात है, बट बाकी तो मुझे नहीं पता। राखी एज अ प्लेयर मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ कहा जाता है उनके बारे में, उनके संचालन को लेके कि यार वो फेयर है, अनफेयर है, ये है, वो है, बट जो भी है वो प्लेयर बहुत अच्छी है, बहुत ही तगड़ी प्लेयर है आई थिंक, एंड बिग बॉस को उनके लिए एक रूम बना देना चाहिए, हर सीजन में उन्हें बुलाना चाहिए, एक अलग से ट्रॉफी राखी सावंत को तो दे देनी चाहिए, बाकी किसी को मिले ना मिले। सलमान से मुलाकात हुई आपकी आकांक्षा? नहीं, मेरी नहीं हो पाई, एंड मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट यही है, आई सो विश की होती, बट हम लोग का अलग अलग शूट हुआ एंड मेरी नहीं हो पाई, एंड आई सो विश मुझे उनसे मिलना था। तो अब जब पूरा फॉलो करती है तो आप वीकेंड का वार भी पूरा फॉलो करती है, तो उसमें आपको लगता है कभी वो बायस्ड होते हैं कभी किसी को लेके, आपको पर्सनली क्या लगता है आकांक्षा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता सलमान सर ऐसे इंडिविजुअल हैं और इतना बड़ा शो होस्ट कर रहे हैं, इतने सीजन से कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये शो ही ऐसा है कि कोई किसी के लिए बायस्ड हो सकता है। हमें एज एन ऑडियंस बहुत बार ऐसा लगता है कि ये इसके लिए बायस्ड हो रहा है, इनका फेवर कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो भी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी किसी का फेवर कर सके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। चलिए, अभी बहुत आपका टाइम नहीं लूंगी आकांक्षा, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, क्या बोलना चाहेंगी जल्दी जल्दी, बहुत फैंस हैं आपके, क्या कहना चाहेंगी उनके? थैंक यू बोलना चाहूंगी पहले तो, क्योंकि जैसे मेरा सिर्फ प्रोमो आया है, सिर्फ ये न्यूज आई है कि मैं बिग बॉस में आई हूँ, मुझे इतने मैसेजेस आए, इतने कॉल्स आए, इतने मैसेजेस आए, मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं एंड मुझे देखना चाहते हैं बिग बॉस में। मैं सॉरी बहुत से लोगों का थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली हूँ कि बहुत लंबा नहीं देखेंगे मुझे, बट डोंट वरी, मैं बाद में ये कवर कर लूंगी एंड आप मुझे डेफिनेटली देखेंगे, अभी नहीं तो कभी, बट अभी फिलहाल एज अ चैलेंजर देख लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज। थैंक यू सो मच आकांक्षा, चलते चलते आखिरी में बोलना चाहूंगी, आप तो दीपिका पादुकोण जैसी नहीं है, आप वैसी ही लगने लगी है, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल उन्हीं से बात करूं। थैंक यू रिचा, थैंक यू सो मच, टेक केयर आकांक्षा, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, बाय।